धर्मांतरण कानून पर धामी का बयान, कहा कानून को और मजबूत बनाने की जरूरत और तेज करेंगे वेरिफिकेशन ड्राइव। उत्तराखंड में पंचवर्षीय मेगा प्रोजेक्ट पर बनेगा रोडमैप, नए प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने मांगे प्रस्ताव, जल्द शुरू होगा प्रोजेक्ट पर काम। टिहरी में खाई में गाड़ी गिरने से बड़ा हादसा, 5 लोगों की मौत, 3 लोग घायल, हादसे की जांच में जुटा स्थानीय प्रशासन। अब बिना लाइसेंस के पालतू कुत्ता रखना पड़ेगा भारी, देहरादून नगर निगम का बड़ा फैसला, पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस अनिवार्य। गंगा दशहरा में उमड़ा आस्था का सैलाब, हर की पैड़ी पर उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ स्नान। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। और सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की खबर की। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए कोरोना के आंकड़े, आज कोरोना के 32 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में कुल एक्टिव केसों की संख्या 109 हो गई है। देवभूमि में फिर बढ़े कोरोना के मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के आंकड़े जारी किए हैं, आज कोरोना के 32 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ गए हैं। राजेश, डराने वाले आंकड़े, बढ़ोतरी हुई है? बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए अगर अभी तक की बात करें तो जैसे कल के तक के आंकड़ों की बात करते हैं तो 27 मामले जो है वो एक्टिव केस के आए थे और लगभग जो है कोरोना केस जो है वो 83 यानी कि 83 जो है वो एक्टिव केस जो है वो देखने को मिले थे। लेकिन अब जो 24 घंटे का एक बार आंकड़ा जो है वो कोरोना के एक्टिव केसों का आया है तो शैलेंद्र 32 केस जो है वो एक्टिव केस आए हैं। इसके साथ साथ ओवरऑल जो एक्टिव केस की संख्या बोले तो लगभग 109 जो है वो पहुंच चुकी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार जो है कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और अगर मुझे लगता है कि टेस्टिंग अगर और भी प्रदेश के अंदर बढ़ाई जाए तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं वो और भी बढ़ सकते हैं क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो बॉर्डर एरिया है और खासतौर से जो चारधाम यात्रा चल रही है भारी संख्या में श्रद्धालु जो है वो उत्तराखंड आ रहे हैं। यात्री जो है इस समय मौसम जो है गर्मी का मैदानी क्षेत्रों में है तो कहीं ना कहीं बच्चों की छुट्टियां पड़ी है तो उसके लिए भी जो पर्यटन स्थल है प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है, टेस्टिंग को भी बढ़ाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है, 32 नए मामले सामने आए हैं। और खबर काशीपुर से है जहां दिन दहाड़े बैंक में लूट हुई है, तमंचे के बल पर लुटेरों ने बैंक से नकदी लूटी है। बैंक में लूट का मामला सामने आ रहा है। पंजाब नेशनल बैंक में ये वारदात हुई है, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। काशीपुर से खबर आपको बता रहे हैं, दिन दहाड़े बैंक में लूट। तमंचे के बल पर लुटेरों ने बैंक में लूट की है। पंजाब नेशनल बैंक में यह वारदात हुई है, पंजाब नेशनल बैंक का यह मामला आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता काशीपुर से अजहर मलिक जुड़ गए हैं। अजहर, क्या कुछ इनपुट अब तक पुलिस के हाथ लगा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि काशीपुर मुरादाबाद रोड पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा तमंचे की नोक पर लूट कर ली गई है जिसको लेकर पुलिस महकमे में काफी हड़कंप देखने को मिल रहा है। टीम गठित करके लगातार पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट चुकी है, लगातार क्षेत्रों में नाकाबंदी कर दी गई है।
और तो वहीं आपको बता देंगे लगातार जिस तरीके से काशीपुर या उधम सिंह नगर की बात करी जाए तो क्राइम ग्राफ काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर अब पुलिस के आला कमान को ही इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। जी अजहर, कितने रुपए की लूट का मामला सामने आ रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पुलिस की अगर माने तो लूट लगभग 5 से 6 लाख तक की लूट का अनुमान ये लगाया जा रहा है। बाकी अभी लूट के अमाउंट की रकम का गणित बनाया जा रहा है, बैंक कर्मियों द्वारा लगातार हिसाब लगाया जा रहा है। पुलिस जो है वो जांच में जुटी है। शुक्रिया जहर तमाम जानकारी के लिए। तो काशीपुर का मामला आपको बता रहे, जहां पर बैंक को निशाना बनाया गया है लुटेरों के द्वारा, पंजाब नेशनल बैंक का ये मामला आपको बता रहे। और अगली खबर टिहरी से है। टिहरी में पिकअप हादसे का शिकार हुई है। पिकअप में सवार 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। टिहरी से खबर आपको बता रहे हैं। तीन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता सूर्य प्रकाश जुड़ गए हैं टिहरी से। सूर्य प्रकाश, क्या वजह है जो हादसा हुआ है, हादसे की वजह क्या सामने आ रही है? देखिए, जिस तरह से आज घनसाली के मोटर मार्ग पर एक बोकार गांव के समीप एक दर्दनाक हादसा, पिकअप जो गाड़ी है वो गहरी खाई में जा गिरी है, क्योंकि एक घनसाली से और गांव की ओर ये जा रही थी, सौर गांव के ओर पिकअप गाड़ी जा रही थी, जो की अचानक अनियंत्रित होकर जो गहरी खाई में जा गिर गई है। हालांकि जो बताया जा रहा है कि ये दुर्घटना के कारण तो अभी पता नहीं चल पाया, क्योंकि अभी जांच जारी है, क्योंकि वहां पर बताया सूरी जो लोग सवार थे कहां के रहने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, उसमें 5 लोगों की, एक ही गांव के 5 लोगों की मौके पर भी मौत हो गई थी, जबकि 3 लोग घायल हैं। 3 घायलों का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है, त्रिखी और जिला अस्पताल बराड़ी में इनका इलाज चल रहा है। वहाँ पर जब दुर्घटना हुई तो वहाँ पर ज्यादा पर सारे लोगों ने रेस्क्यू किया। शुक्रिया सूर्य प्रकाश जानकारी के लिए। तो टिहरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर पिकअप में सवार 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर विकास नगर से है। झाड़ियों में मिला किशोर का शव। झाड़ियों में किशोर का शव मिला है, विकास नगर से खबर आपको बता रहे हैं। ग्रामीणों ने परिजनों के साथ मुख्य मार्ग जाम किया। क्षेत्राधिकारी विधायक प्रीतम सिंह भी मौके पर पहुंचे। विकास नगर से खबर आपको बता रहे हैं। झाड़ियों में मिला है किशोर का शव, इसके बाद जो परिजन हैं उन्होंने जाम लगा दिया। क्षेत्राधिकारी विधायक प्रीतम सिंह ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। तहसील कालसी अंतर्गत सहिया का ये मामला बताया जा रहा है। झाड़ियों में किशोर का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जो किशोर के परिजन हैं, ग्रामीण हैं, उन्होंने गुस्से में आकर जो सड़क है उस पर जाम लगा दिया। तहसील कालसी अंतर्गत सहिया का ये मामला बताया जा रहा है।
पौड़ी जिले के जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने जल शक्ति कैच द रैन जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत श्रीनगर स्थित जल संस्थान के कार्यालय में बनाए गए जल शक्ति केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने जल शक्ति कैच द रैन जल संरक्षण अभियान से संबंधित कार्यों का अवलोकन किया। वहीं जानकारियों फोटोग्राफ्स व किए गए साथ ही अन्य कार्यों को संबंधित पोर्टल में अपलोड करने की जानकारी भी ली गई। उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण अभियान है जिसके तहत जनपद में ये काम किया जा रहा है। अमृत सरोवर योजना हेतु 75 सरोवर बनाए जा रहे हैं और इसके साथ ही जिलाधिकारी डॉक्टर जोगदंडे ने जल शक्ति कैच द रैन जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कई कार्यों की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कनखल के जगतगुरु आश्रम पहुंचकर शंकराचार्य स्वामी राजेश्वरा आश्रम से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। उपचुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री पहली बार हरिद्वार पहुंचे। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान भाजपा नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गंगा दशहरा के पावन मौके पर माँ गंगा का आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं और माँ गंगा और उनके भक्तों को शुभकामनाएं दी और कहा कि उन्होंने माँ गंगा से प्रदेश की खुशहाली के लिए माँ गंगा से कामना की। आज गंगा दशहरा है, माँ गंगा का आशीर्वाद सब पर बना रहे और मैं भी स्वयं आज आया हूँ माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए। मैं इस गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर मैं सभी को, सभी श्रद्धालुओं को, सभी माँ गंगा भक्तों को, सबको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके जीवन में हर प्रकार से माँ गंगा की कृपा हो। माँ गंगा उनको हर प्रकार से सुखी रखे, समृद्ध रखे और सभी विघ्न बाधाएं दूर करें, हमारा प्रदेश भी आगे जाए और हमारे प्रदेश का जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, विकल्प रही संकल्प, उसके आधार पर हम सब लोग आगे बढ़े। और यहाँ पर वक्त ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी, पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंडी खबरों की हम बात करेंगे, उससे पहले उत्तर प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, यूपी से बड़ी खबर। 17 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। ये वो नाम है जिन्हें ट्रांसफर किया गया है, नई जिम्मेदारी दी गई है। गौरीशंकर प्रियदर्शी लखनऊ के ग्राम विकास अधिकारी बनाए गए हैं। जग प्रवेश सीडीओ बरेली बनाए गए हैं। यूपी में 17 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित पाल मेरठ नगर के आयुक्त बनाए गए। पुलकित गर्ग झांसी नगर के आयुक्त बनाए गए हैं। और इसी खबर पर हमारे सलाहकार संपादक के बख्श सिंह जुड़ गए हैं। सर एक बार फिर से और नई लिस्ट।
हाँ देखिए शैलेंद्र, अब ये चूंकि जून मई जून का जो महीना होता है ये तबादलों का होता है और लोगों बच्चे बढ़ते हैं तो जुलाई में सबके एडमिशन होने करते थे, तो योगी सरकार ने ये तय किया है कि जून के अंतिम सप्ताह को सारे IAS अफसरों सारे अन्य विभागों के अफसरों को ट्रांसफर कर दिए हैं ताकि बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत ना हो, बच्चों के एडमिशन सामान्य तरीके से हो जाए। तो ये पहले जिला अधिकारियों को ट्रांसफर किए गए, तो तीन चार जिला अधिकारी जैसे बनारस था, लखनऊ था और दो एक जिले और थे जिनके जिला अधिकारी जो है सचिव रैंक पे हो गए, तो पहले लिस्ट जारी की गई थी। तो उन सचिवों जो सचिव स्तर ने सचिवालय में समायोजित किया गया, जो को कमिश्नर कुछ कमिश्नर समायोजित किया गया। इसी प्रकार से दूसरी लिस्ट जो सबसे बड़ा विभाग होता है ग्राम विकास, जो सीधे गाँव से संपर्क रखता है, उसके प्रदर्शी को बनाया है वहां ग्राम विकास सचिव, ग्राम विकास का जो है आयुक्त बनाया गया है। कुल मिला के 17 अफसरों को ट्रांसफर किए गए हैं और दूसरी लिस्ट जो है शीघ्र ही अब ये प्रमुख सचिवों सचिवों अपर मुख्य सचिवों को आने वाली है। तो कुल मिला के जुलाई जून के अंतिम सप्ताह तक सारी प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को चकाचौंध कर दिया जाएगा और बिल्कुल चौकस व्यवस्था कर दी जाएगी ताकि आगे वाले जो 5 साल मुख्यमंत्री योगी के बच्चे हैं उसमें सुचारू रूप से कार्य से काम चल सके। बिल्कुल, तो अभी एक और लिस्ट आएगी जून के आखिरी सप्ताह तक, जो अधिकारी हैं उनको नई जिम्मेदारी दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 17 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गुड मॉर्निंग चाचा, एक अदरक वाली चाय। अभी बेटा, मोदी जी मेरा परिवार। वैसे चाचा, आपने दीवार पर क्यों लिखा है मोदी जी मेरा परिवार? प्राइम मिनिस्टर आपको जानते हैं? जानते तो नहीं, लेकिन हमारे दुख इनसे छुपे नहीं रहते। मतलब? नहीं समझी? घर घर मुफ्त राशन पहुंचाया, टीके लगवाए और बेटा संकट में जो साथ खड़ा होता है वही असली परिवार होता है। समझ गई चाचा, आपका परिवार बेस्ट है। ले चाय पी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबा केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड शौर्य सम्मान आयोजन समिति ने उत्तराखंड के दूरस्थ इलाकों में एयर एम्बुलेंस जैसी व्यवस्था को चलाने के लिए उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री को उत्तराखंड शौर्य सम्मान देकर सम्मानित किया है। जून को राजधानी देहरादून के RTO परिसर में खड़े वाहनों की नीलामी होने जा रही, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई। जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने RTO परिसर को दलालों से दूर रखने के निर्देश दिए थे, ऐसे में अब सरकारी कामकाज में तेजी देखी जा रही है। RTO सुनील शर्मा का कहना है कि वाहनों की नीलामी को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 11 जून को सुबह वाहनों की नीलामी की जाएगी। आपको बता दें, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लापरवाही के चलते RTO देहरादून को हाल के दिनों में सस्पेंड किया था, इससे अब सरकारी कामकाज में तेजी देखी जा रही है। हमारे यहाँ देहरादून संभाग के अंदर हमारी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो कि बंद खड़ी हुई हैं और जिन पर की टैक्स बकाया है, उन बंद गाड़ियों की हम नीलामी करने जा रहे हैं 11 जून को, और उसकी नीलामी देहरादून ऑफिस में होगी। ये लगभग 200 गाड़ियां हैं, 180 से 200 गाड़ियां हैं, और नीलामी की प्रक्रिया यहीं 11 जून को RTO ऑफिस में होगी, और उसके नियम कानून हमने स्पष्ट कर दिए हैं। उसका हर ARTO ऑफिस में उसका नोटिस बोर्ड पर चस्पा भी कर दिया गया है, जो हमारे अखबार हैं मुख्य अखबार हैं उन पर भी उसका एडवर्टाइजमेंट पहले निकाल दिया गया है।
अब हम 11 तारीख को पूरी तरह तैयार हैं कि इसकी नीलामी बिल्कुल नियम अनुसार कर सकें। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देहरादून में बढ़ते एडवेंचर टूरिज्म को देखते हुए जल्द ही पर्यटन विभाग महाभारत ट्रेल शुरू करने जा रहा है, जिसमें ट्रेकिंग के शौकीन सैलानियों को महाभारत काल के पैदल रास्ते से घुमाने का काम किया जाएगा। जिन रास्तों पर महाभारत काल के समय पांडव गौत्र हत्या का पाप मिटाने के लिए गए थे। राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि अभी तक पर्यटन विभाग की जिन नीतियों के चलते विसंगतियां उत्पन्न हुई थी उन्हें दूर करने का काम किया जा रहा है। इस तरह की ट्रैकिंग से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के आयाम भी मिल पाएंगे। इसके लिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने रुचि जाहिर की है और पर्वतारोहण के लिए लोग काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं, तो निश्चित रूप में इसको हम करेंगे और इसमें इसकी सारी जो विसंगतियां हैं वो दूर करेंगे और इसमें और प्रोत्साहन दिया जाएगा। आने वाले भविष्य में हम लोग चाहते हैं कि महाभारत ट्रेल को हम जो है एक लाएँ और जहाँ जहाँ अपने गोत्र हत्या से मुक्त होने के लिए पांडव जो हैं भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए गए, केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए गए, उसी मार्ग पे हम चाहेंगे कि हमारे यात्री भी चलें और पैदल चल करके पहुँचे। बड़ा सुरभ्य स्थान है और उसके रास्ते में अनेक मंदिर हैं जो और भी जीवंत हो उठेंगे, तो मेरा ये मानना है कि उस ट्रेल को भी हम जो है अब चाहते हैं कि उसको हम उसकी पॉसिबिलिटी को हम देखें। और उत्तराखंडी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।